राधे राधे दोस्तों, कुकवित उपासना मिश्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि के व्रत के लिए कूटू की खिचड़ी बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कूटू की खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी कूटू लिया है। इसे हम एक कंटेनर में डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक भिगो कर रख देंगे। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं, इन्हें हम छील लेंगे। हमने आलू छील लिया है, अब हम इन्हें कट करेंगे। हमने अपने आलू कट कर लिए हैं, अब हम इन्हें 2 से 3 बार अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे ताकि इनका सारा स्टार्च निकल जाए। हमने अपने आलू को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और इन्हें पानी में रख दिया है ताकि हमारे आलू काले ना हों। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इस पानी को फेंक देंगे और अपने कूटू को 2 से 3 बार धो लेंगे। हमने अपने कूटू को धो लिया है, अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने गैस पे कुकर रख दिया है, अब हम इसमें घी डालेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। हमारा घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें थोड़ी सी कद्दूकस की हुई अदरक डालेंगे और इसे थोड़ी देर तक भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आलू डालेंगे, स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालेंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हम इन सभी चीजों को 1 मिनट तक भून लेंगे। हो गया है, अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें कूटू डालेंगे और मिला लेंगे। हम अपने कूटू को 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। हो गए हैं, अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे, मिला लेंगे। अब हम अपने कुकर का ढक्कन लगा देंगे, हाई फ्लेम में 2 सीटी आने देंगे, फिर लो फ्लेम में 5 मिनट तक पकाएंगे। हमारे कुकर ने हाई फ्लेम में 2 सीटी दे दी है, अब हम अपनी फ्लेम को लो कर लेंगे और अपने कूटू की खिचड़ी को 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी कूटू की खिचड़ी तैयार है। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और कुकर ठंडा होने देंगे। जब हमारा कुकर ठंडा होगा तभी हम अपने ढक्कन को खोलेंगे। हमारा कुकर ठंडा हो गया है, हमारी कूटू की खिचड़ी तैयार है। जब हमारी कूटू की खिचड़ी हल्की ठंडी हो जाएगी तब हम सर्व करेंगे। अब हम कूटू की खिचड़ी को सर्व करेंगे। हमारी कूटू की खिचड़ी रेडी है, आप देख सकते हैं ये कितनी टेस्टी लग रही है। हमने इसे दही के साथ सर्व किया है, दही के साथ इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।